राजभवन के सामने के जो एहतजाज चल रही है अभिषेक बंदोपाध्याय के नेतृत्व, वहाँ पे अभी भी आपको डायरेक्ट लाइव कवरेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी हमारे साथ एक स्पेशल अतिथि बैठे हुए हैं मेरे पास में, मैं उनसे आपको बता दूं, पिछले 25 दिनों से जो है उन्हें प्रॉपरली एक्टिव नहीं देखा जा रहा था, पर पिछले 4 दिनों से, खास करके जब से ये मनरेगा वाला मामला सामने आया है, अभिषेक बनर्जी का जो कॉल है उस कॉल, मोहम्मद जसीमुद्दीन फील्ड पे वापस आ चुके हैं। तो आइए उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। जसीम भाई, आपने कुछ दिन पहले भी लाइव किया था और आज भी इस एहतजाज में है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? हमेशा है, मरते दम तक। अभिषेक बनर्जी हमारे रहनुमा है और बेहद मुझे खुशी हो रही है। आज हमारे ऑनरेबल फराद हकीम साहब ने भी कहा कि हमको ममता बनर्जी के बाद एक और रहनुमा और गरीबों की आवाज़ और हक की लड़ाई लड़ने वाला बहादुर सिपा सालार, बहादुर सेनापति मिल गया अभिषेक बनर्जी के रूप में। हम लोग सब उसके उनके साथ हैं। जितने जोशो खरोश से एहतजाज 3 तारीख से लेकर अभी तक किया जा रहा है, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, उतने जोशो खरोश से ईडी सीबीआई को भी एक्टिव होते हुए देखा गया, उस बारे में क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आने के बाद एनडीए की जितनी भी शरीक पार्टियां थी हजरत, सबों ने वो छोड़ दिया है। अभी एनडीए के माने ईडी, एनडीए के माने सीबीआई, इंडिया अलायंस से खौफजदा होकर नरेंद्र मोदी ने एनडीए में ईडी को, सीबीआई को और इनकम टैक्स को शामिल कर लिया है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं जनता के स्वार्थ में, जनता के हित में, अभिषेक बनर्जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, शायद नरेंद्र मोदी को ये बात मालूम नहीं है कि फिरौन की हार हुई थी और मूसा अलैहिस्सलाम की जीत हुई। हक हमेशा जीतता है, झूठ हमेशा हारता है, सच की हमेशा जीत होती है। थोड़ी तकलीफ होती है, आज अभिषेक बनर्जी के कयादत में 1,15,000 करोड़ रुपया तो केंद्रीय सरकार को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा, हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है। अच्छा, मैं आपको एक डाटा देता हूँ, 2014 से लेकर 2022 अगर आप सालाना मरकजी सरकार जो इनकम टैक्स मगरबी बंगाल से ले जाती है, 14 में था 85,000 करोड़ रुपया, और अभी 21 और 22 में 2,25,000 करोड़ रुपया हर साल मरकजी सरकार 11 करोड़ लोगों का टैक्स ले जाती है। और हमें जो मिलना चाहिए, जो हमारा हक है, हमें नहीं, 29 जो रियासत है हमारे मुल्क में, फेडरल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर नुमा हमारा जमहूरियत है। हमारा जो मुल्क है डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर कंट्री है, फेडरल स्ट्रक्चर पर आधारित है, जहां केंद्रीय सरकार राज्य से टैक्स ले जाती है और फिर राज्य को उसका हक जो है वापस करती है। तो आप अभी एक बात देखें, 21,07,000 समथिंग लोग जिनका बकाया रकम है, हम वो मांग रहे हैं ग्रामीण जो रोजगार है, जैसे सड़क, जो केंद्रीय सरकार जो है 60% और 40% राज्य सरकार देती है, वो 60% जो ग्रामीण जो सड़क है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना, आप देखिए 2 साल तक उसका भी पैसा बंद कर दिया गया, बेवा पेंशन का पैसा बंद कर दिया गया, माजूर पेंशन जिसे आप हैंडीकैप कहते हैं वो पेंशन भी बंद कर दिया गया। अब आप एक बात बताइए, अभिषेक बनर्जी किनकी आवाज़ बोल रहे हैं? जो बेवा को पेंशन नहीं मिला उनकी आवाज़ है अभिषेक बनर्जी, जो मजदूरों को पेंशन नहीं मिल रहा है 2 साल से उनकी आवाज़ है अभिषेक बनर्जी, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो पैसे नहीं दे रहा है उनकी आवाज़ है अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी आज 11 करोड़ मगरबी बंगाल की आवाज़ बनकर, जिस तरह से आसमान में सितारे तो अनेक हैं पर चांद एक ही है, आज अभिषेक बनर्जी मगरबी बंगाल में एक चांद की तरह दिल्ली में अपनी रोशनी से जगमगा। पश्चिम बंगाल के साथ जो है सौतेला व्यवहार क्यों? देखिए, मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, ईमानदारी के साथ मैं कहूँगा कि पश्चिम बंगाल के साथ में ये जो सौतेलापन है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा ये सौतेलापन तो रोज़े रोशन की तरह आया हो रही है। 21 में चुनाव हारने के बाद से ही तमाम जो, अब मैं एक और उदाहरण दे दूँ आपको, जो काम की बातें हैं,
कि आखिर हम लोग यहाँ बैठे क्यों हैं। और अभिषेक बनर्जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसके हक में, मैं आपको एक जिंदा मिसाल देता हूँ, वोकेशनल ट्रेनिंग। आप जानते हैं आज के दिन में हम ये बात नहीं कह सकते कि सबको सरकारी मुलाजमत हम दे देंगे, ये बात हम भी नहीं कहते। आज के दौर में लोगों को रोजगार देने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जैसे मिसाल के तौर पर ड्राइविंग की ट्रेनिंग, सिलाई मशीन की ट्रेनिंग, बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग, कुकिंग बनाने का ट्रेनिंग, इस तरह के मुख्तलिफ 13 स्कीम है जो हाँ जो वोकेशनल जिसको बोलते हैं। तो ये इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पैसा, राज्य का सरकार 40% और 60% पैसा केंद्रीय सरकार का आता था। तो वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए एक लड़की है जो माध्यमिक पास है, अगर वो सिलाई सीख लेती है और उसको सिलाई मशीन मिल जाता है तो वो भी घर में रोज 500 रुपया रोजगार कर सकती है, कर सकती है। तो जितना भी मगरबी बंगाल में जो म्यूनसिपालिटी है या कॉरपोरेशन है या पंचायत है या कैलगड़ा कॉरपोरेशन, इसके माध्यम से हम लोग बच्चों को सिलाई सिखाते थे, बच्चों को फूड प्रोसेसिंग सिखाते थे। आपका देखिएगा हेल्थ टेक्निकल कोर्स, एक लड़की अगर हेल्थ टेक्निकल कोर्स अगर कर लेती हैं तो 18 से 20 हज़ार रुपया माहवार आमदनी करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब कोर्सेज में जो केंद्रीय सरकार का जो पैसा आने का था 2 साल से बंद है। तो आज आवाज़ उठा रहे हैं अभिषेक बनर्जी कि वोकेशनल ट्रेनिंग में जो केंद्रीय सरकार का जो पैसा है वो आना चाहिए। कल शुभेंदु अधिकारी का और मंत्री साहिबा का जो है हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, उसमें कहा जा रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट पुराने पैसों का अभी तक हिसाब नहीं दिया गया दिए हैं, जिसके वजह से इस पैसों को जो है रिलीज नहीं किया जा रहा। देखिए मैं सियासी बातों का जवाब नहीं दूंगा। हम लोग यहाँ जो धरना में अभिषेक बनर्जी के क़यादत में जो हम लोग जो धरना में बैठे हैं, हम लोग सियासत की बात नहीं कर रहे हैं, सियासत अपनी जगह है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं आप उन पर तवज्जो दें। मेरा ये मेरी बात आप पहले सुन लीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए सब मसला हल है। अभिषेक बनर्जी ने कौन सा सवाल किया, आप खाली ये कह दीजिए। मैं शुभेंदु अधिकारी से कहता हूँ, एक आम नागरिक के हिसाब से, मैं भी बंगाल का बासिंदा के हिसाब से, कलकत्ता के बासिंदा के हिसाब से, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से ही आवेदन करता हूँ और शुभेंदु अधिकारी से भी आवेदन करता हूँ कि आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, 21,07,000 समथिंग लोगों का पैसा बाकी है कि नहीं, बाकी है कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना। पहले जो सवाल है 21 लाख, अगर पाँच लोग भ्रष्टाचार किए हम मान भी लिए, अगर 10 लोग ने इसमें बदउनवानी किया है आप उनको सजा दीजिए, लेकिन 21 लाख लोग जिन्होंने काम किया है, जो जॉब कार्ड होल्डर हैं, जिनको गारंटी दिया गया स्टाम्प मार्केट डीएम ने दिया है कि इन्होंने काम किया है, काम करने वाले मुलाजिम का पैसा रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप 21,07,000 समथिंग लोग जो जॉब होल्डर हैं, जो काम किए हैं, जो एप्लीकेशन 50 लाख लोगों ने जो दस्तखत दिया आप उसको स्क्रूटनी कीजिए। आप 50 लाख जो दस्तखत दिया गया, जो दिल्ली लेके भी गया थे, जो गवर्नर साहब के पास भी हम लोग देना चाहते हैं, आप इसका स्क्रूटनी कीजिए। सबसे पहला सवाल है बेवाओं का पेंशन बंद जो किए हैं उसको चालू कीजिए, आप मजदूरों का पेंशन चालू कीजिए। मजदूर का पैसा केंद्र सरकार क्यों रोक दिया गया, हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग में पैसा रोक दिया गया, ग्रामीण सड़क रोजगार का GST 40,000 करोड़ रुपया GST का जो पैसा है उसको रोक दिया गया। आप पहले पैसा दीजिए। अरे भाई ED CBI बहुत सारे केसेस कर रहे हैं, इस पर भी इंक्वायरी कर लीजिए आप। लेकिन सवाल है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इंडिया अलायंस से डर चुकी है मोदी सरकार, बिल्कुल डर चुकी है, और इंडिया अलायंस का शरीक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें हमारे बंगाल के शेर अभिषेक बनर्जी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, समझ रहे हैं आप। आखिरी सवाल है कि इसी चीज को लेकर के आपने देखा होगा हम लोगों ने वार्ड में भी देखे होंगे, आप लोग 4 तारीख को हम लोग वार्ड में जो है मिचिल किए थे हजारों की तादाद में, और फिर 5 तारीख को फिर यहाँ पर हम लोग आए थे, और 5 तारीख से लेकर आज 9 तारीख तक वही सवाल था। दिल्ली में जो ज्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, जो बर्बरियत हुई है, जो तजद्दुद हुआ है, जो हिटलरिज्म हुआ है, जो तानाशाही हुआ है, उसी तानाशाही के खिलाफ में 4 तारीख को बंगाल तक, 3 तारीख के रात से ही शुरू हो गया था, 4 तारीख को बंगाल के हर छोटे गले बड़े कस्बे में, मोहल्ले में, इलाके में, ब्लॉक्स में हम लोग निकले थे, और उसके बाद 5 तारीख को यहाँ पर हम लोग आए थे धरना में, और 5 तारीख से आज तक यही सवाल है क्यों 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 आप गरीबों के हक के साथ
आप जो है आप गरीबों का हक दे दीजिए, 21 लाख लोगों का पैसा दे दीजिए, विधवाओं का पेंशन दे दीजिए, माजूरों का पेंशन दे दीजिए, आप जो है ग्रामीण जो सड़क जो प्रधानमंत्री के नाम से जो सड़क योजना है उसका पैसा आपने रोका है वो दे दीजिए। हम चाहते हैं 40,000 करोड़ रुपया जो आपका GST का बकाया है, स्टेट गवर्नमेंट का बकाया है, दे दीजिए। हमारे से हमारे राज्य से 1.5 से 2.25 लाख करोड़ रुपया ले जाते हैं और हमें जब देने की बात आती है तो आप नहीं देते हैं। मैं ये बात कहता हूं कि आप तो लात से मारने में 21 में लात से मारने की कोशिश किए थे, 21 में लात से मारकर बंगाल में नहीं जीत सके, तो आप भात से मारने की कोशिश हो रही है। हम भूखे रह सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। अभिषेक बनर्जी के लिए एक डायलॉग कहना चाहते हैं, एक जुमला कहना चाहते हैं। अभिषेक बनर्जी को वो पहचाने नहीं, ममता बनर्जी को CPM पहचानने में भूल किए थे। 23 साल आंदोलन की थी ममता बनर्जी, 34 साल का चट्टान को ममता बनर्जी ने नेस्तनाबूद करके 11 में सरकार बनाया। शायद अभिषेक बनर्जी के तूफान को नहीं समझ पा रहे हैं आप, ममता बनर्जी को भी समझ नहीं पाई थी 34 साल आप आया महाज, और आज अभिषेक बनर्जी के तूफान को, अभिषेक बनर्जी जो समंदर हैं उनकी गहराई को नहीं समझ पा रही है BJP। इसलिए मैं कहता हूँ ये वो शख्सियत है अभिषेक बनर्जी, जब तक मरेगा नहीं तब तक अभिषेक बनर्जी झुकेगा नहीं, जब तक अभिषेक बनर्जी मरेगा नहीं तब तक डरेगा नहीं। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में हक की जो लड़ाई है, जुल्म के खिलाफ लड़ाई है, जाति के खिलाफ लड़ाई है, वो लड़ाई चोलचे चोलवे। एक कॉन्क्लूजन, थोड़ी देर पहले एक डेलीगेशन टीम तृणमूल कांग्रेस की तरफ से गवर्नर हाउस में गई थी और बात करके आई है, तो क्या लगता है कि आज क्या ये समस्या समाधान हो जाएगा? अभी हमारे रहनुमा के जबान से अगर आज ये मसला हल नहीं हुआ तो आप लोग कहाँ तक जाएंगे? आप एक बात सुन लीजिए, लड़ाई 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 चाहिए, लड़ाई को रहे वास्ते चाहिए। आज इस लड़ाई में अगर जीत भी हो गई तो दूसरी लड़ाई की तैयारी हमारी शुरू हो जाएगी। आप दूसरी लड़ाई से मुराद, आज जिस तरह से ED, CBI और इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से CBI, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बंगाल हो, जिस तरह से वो ED, CBI और IT को इस्तेमाल करके अपने राजनीति रोटी सेकने के लिए जो इस्तेमाल कर रही है, इसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और 2024 में मोदी हटाओ देश बचाओ ये जो लड़ाई है ये तो जारी रहेगी। मैदान में थे, मैदान में हैं और मैदान में रहेंगे। आज जो ये लड़ाई है गवर्नर साहब के पास जो दी जाएगी, इसके बाद हमारे रहनुमा जैसा लाहे अमल तैयार करेंगे, हम लोग उस पर उतरेंगे। बस इतना हम कहना चाहते हैं आपसे, झूठ सजा के बना के संवार के छलनी में छान के झूठ को सच नहीं किया जा सकता, झूठ झूठ होता है। सिर्फ नेता मंत्री नहीं, अब तो जर्नलिस्ट भी जो है ईडी CBI के चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली में आप देख चुके हैं कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे बड़े से छोटे या छोटे से बड़े हर तरह के जर्नलिस्टों को जो है परेशान किया गया, डिटेन किया गया, अरेस्ट भी किया गया, इसके बारे में बेटा आप हमसे उम्र में आधे हो, मैं तो सबसे पहले तुम्हें दुआओं से नवाजूंगा कि तुम्हारे ज़ुबान से जो हमारे देश के जो नौजवान, इस देश के मुस्तकबिल जो मीडियाज़ है या जो जर्नलिज़्म में है, जो बड़ा मेहनत मुशक्क़त करके हम तक खबरें लाते हैं, जमहूरियत के चार पिलर्स में एक पिलर हैं आप लोग। और जिस तरह से आज अभिषार शर्मा हो या अंजुम साहब हो या अभी तो रवीश कुमार साहब के बारे में भी FIR हो गया, जिस तरह से गोदी मीडिया को छोड़कर, यानी कि मुख्तसर में आपने जो आवाज़ उठाई है मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपने जो ये आवाज़ उठाई है हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग तो यही लड़ाई, अभिषेक बनर्जी की लड़ाई यही है कि जमहूरियत में आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आप देश के प्रधानमंत्री या सरकार आपकी है लेकिन जमहूरियत में हमारी भी सुनो, हमें तनकीद करने का अधिकार है, हमें समालोचना करने का अधिकार है, हमें आवाज़ बुलंद करने का अधिकार है। आज अल्लाह आपको अच्छा रखे, आप ये महसूस कर रहे हैं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी कुटी कुटी प्रणाम करना चाहता हूँ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात को देख करके अभी भी महसूस होता है कि हमारा देश जो है वो कसरत में वहदत की मिसाल है और हमारा देश जो है सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, गर्व होता है। उसी तरह गोदी मीडिया को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में जो पोर्टल जिसको आप लोग कहते हैं, पोर्टल हो या सोशल मीडियाज हो, यूट्यूबर्स हो या जो, आज सबको दबाया जा रहा है। बोलना आपको वही है जो मोदी जी कह देंगे और करना आपको वही है जो मोदी जी का निर्देश होगा।
ये जो राजनीति हमारे देश में 14 के बाद से आई है कि आपने बोलना वही है जो मोदी जी कहेंगे, आपने बोलना वही है जो मोदी जी को पसंद होगा, आपने बोलना वही है जो मोदी जी को वोट बैंक को मजबूत करेगा, ये तो जमहूरियत नहीं है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस, हम लोग भी तृणमूल कांग्रेस, जमहूरियत का चौथा पिलर मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, चाहे वो पोर्टल मीडिया हो, चाहे सोशल वर्क जो मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, जो लोग भी हैं, हम लोग सब आपके साथ हैं। अब हमारी क्रिटिसाइज कीजिए, हम आपको दावत देना चाहते हैं, हमारी सरकार की जो खामियां हैं उसको उजागर कीजिए, काउंसिलर की खामियों को उजागर कीजिए, MLA की खामियों को उजागर कीजिए, MP के खामियों को उजागर कीजिए, सरकार के खामियों को उजागर कीजिए, क्योंकि आप हमारी जब खामियां निकालते हैं, आप जब हमारे पर क्रिटिसाइज करते हैं, तो मुझे ये महसूस होता है कि आधा काम तो मेरा आप ही कर देते हैं, आप मेरा आँख खोल देते हैं, आप मुझे राह दिखाते हैं, तो राह दिखाने वाला कभी दुश्मन नहीं होता, आँख खोलने वाला कभी दुश्मन नहीं होता। हाँ, आप लोग से भी एक चीज़ कहेंगे कि दुश्मनी जम के करो, पर इतनी गुंजाइश हो कि कल नज़र मिले तो शर्मिंदा ना होना पड़े।